उठाओ इधर से उठाओ तुम उठाओ दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। पूर्ण शराबबंदी के बीच शराब माफिया शराब का कारोबार करने के लिए तरह तरह के तरकीब अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। बावजूद पुलिस भी तू डाल डाल तो मैं पात पात की कहावत को चरितार्थ करते हुए शराब माफियाओं पर कहर बनकर टूट रही है। नालंदा जिले के दीपनगर थाना पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब दीपनगर थाना क्षेत्र के बीजवन पर से शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। जी हां, जानकारी के अनुसार हम आपको बताते चले कि गुप्त सूचना के आधार पर दीपनगर थाना क्षेत्र के विजवन पर से एक फोर व्हीलर मार्शल गाड़ी को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से शराब की तस्करी की जा रही थी। मार्शल गाड़ी के ऊपर में बॉक्स बनाकर शराब झारखंड से बिहार लाया जा रहा था और पुलिस को गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना मिलने के बाद दीपनगर थाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए दो शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इन दो शराब तस्करों में मुख्य सरगना मानपुर थाना क्षेत्र के सिंगथो गांव निवासी मुरारी प्रसाद का पुत्र राहुल कुमार, जबकि विहार थाना क्षेत्र के मोहद्दीनपुर निवासी पिन्नू प्रसाद का पुत्र मनीष कुमार है और इन लोगों के पास से 200 पीस मगडोवल 750 ml, ब्लेंडर प्राइड का 180 ml, 140 पीस ऑफिसर्स चॉइस का 180 ml, 26 पीस, जबकि दो एंड्रॉइड मोबाइल भी इन लोगों के पास से बरामद किया गया है। सर बताया जाए ये कहां से हो रहा? दीपनगर थाना क्षेत्र में SHO दीपनगर को सूचना प्राप्त हुई थी कि शराब झारखंड के बगुदर से लाया जा रहा है एक मार्शल में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उसके ऊपर बॉक्स बना के ये जो तस्कर है शराब के, उस शराब की खेप ला रहे थे। उस गुप्त सूचना पे बिजवन जो दीपनगर थाना क्षेत्र में है, मेन रोड रेलवे ढाला के पास, इस गाड़ी को डिटेन किया गया और जो तस्कर है दो उसकी गिरफ्तारी हुई है और कुल 750 ml मैकडोवेल है, ब्लेंडर प्राइड है 180 ml और ऑफिसर चॉइस 180 ml, दो मोबाइल हैं और ये मार्शल गाड़ी है। इसके साथ इसकी गिरफ्तारी हुई है। जैसा इन लोगों से पूछताछ से पता चला है कि पहले भी ये लोग इस तरह के कारोबार में ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं। ये लगभग डेढ़ लाख के लगभग की शराब है जैसा ये लोग बता रहे हैं और इन लोगों की गिरफ्तारी और पूछताछ के क्रम में जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ ये लोग सप्लाई कर रहे हैं बिहार शरीफ में, इन लोगों का नाम पता चला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लोगों के नाम बताए? दो आदमी की अरेस्टिंग हुई है, ये राहुल कुमार है और मनीष कुमार है। एक मानपुर थाना क्षेत्र के हैं और एक बिहार थाना क्षेत्र के हैं और जिन लोगों के नाम आए हैं उस पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।